सिर्फ वही कंसेप्ट एक ठीक है कि जो लव बॉन्डेज है दैट कैन बी विद द सेम सेक्स ऑल्सो. अगर हम इसी को प्रमोट करते हैं तो आपका पूरा सोसाइटी का फैब्रिक खत्म हो जाएगा. टॉपिक हैज बीन कनेक्टेड ह्यूमरसली. ये बात समझनी चाहिए कि भाई गे को अगर एक लड़के को लड़के से प्यार हो सकता है, एक लड़की को लड़की से प्यार हो सकता है, तो इसमें क्या बुराई है? फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है. जब मैं ट्रेलर अपनी बहू के साथ देख सकता हूँ तो फिल्म क्यों नहीं? और सुप्रीम कोर्ट जिन पटाखों पे बहस कर रही है ना, वो अपने आंगन में फूट रहे हैं. आई एम ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ इट. ऑब्वियसली पीपल आर देयर इन माई सराउंडिंग्स. आई एम ऑल्सो अ सेक्सुअल काउंसलर, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग दीज काइंड ऑफ क्वेरीज दैट कोई भी ऐसे फील कर रहा है, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग इट. बट नाउ इस चीज़ को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है, अगर बॉलीवुड अगर लेके आ रहा है, सब लोग लेके आ रहे हैं, तो आई गेस ज़्यादा लोग सामने आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को भी बताएंगे, अपनी चीज़ों को भी बताएंगे एंड उसमें सक्सेसफुल होंगे. हम लोग को पढ़ाया भी जाता है इस चीज़ के बारे में कि होमोसेक्सुअलिटी इंटरनली होती है, कोई सोच के नहीं आता या फिर कोई इन्फ्लुएंस करके नहीं सीखता है वो चीज़. As well as the Supreme Court, they have struck off with this section 377. Thereby watching it along with your family, I think so it would not hamper anything, it would not spoil the society. हम तो इतना जानते हैं कि विपरीत जो है लिंग उसे प्यार हो सकता है. Love is not only about sex. Education का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ किताबें पढ़ना. Education सिर्फ हमें मेरी जो सोच होती है उसको खोलती है, हर टॉपिक को, हर चीज को समझने को और ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करने की क्षमता बताती है. इसको एक्सेप्ट करना एक फैमिली के लिए रियली इट इज टफ. जीतेगा प्यार सह परिवार, कुटुंब जिंदा प्रीति के लगते जीतेगा प्यार सह परिवार.